और 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही और सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शपथ दिलाएंगे। बागीतौरा उपचुनाव में जीते जय कृष्णा पटेल को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा राज्यपाल से अनुमति मिले 3 विधेयकों की देंगे सदन में जानकारी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रखेंगे कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन और सदन में 12 विभूतियों के निधन पर भी शोका व्यक्ति की जाएगी। सदन में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, पूर्व मुख्य सचेतक महावीर जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और इसके अलावा हाल ही में दिवंगत 8 पूर्व विधायकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद सदन की बैठक कर दी जाएगी 4 जुलाई तक स्थगित। गुरुवार को सुबह 11 बजे से पूरे दिन चलेगी सदन की कार्यवाही। 5 से 9 जुलाई तक नहीं होगी विधानसभा की बैठक। इसके अलावा 10 जुलाई को वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी पेश करेंगी अपना पहला बजट और ये आज शेड्यूल विधानसभा की कार्रवाई का रहने वाला है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष बागीतौरा उपचुनाव में जीते कैंडिडेट को शपथ दिलाएंगे। और 10 जुलाई को वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी अपना पहला बजट भी पेश करेंगी क्योंकि विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में आज क्या कुछ शेड्यूल पूरा रहने वाला है वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आज की कार्रवाई को और आज के शेड्यूल को? देखिए, पूरी तरह आज की जो कार्रवाई है यू कहे बजट सत्र का आज आगाज हो जाए और जैसा आपने बताया कि आज पहले दिन ये कुछ होना है, मगर सबसे अहम बात ये एक दिन जो हादसा हाथरस में हुआ और एक दुखद हादसा आज जिसने पूरे देश पर गठजोड़ दिया, तमाम वर्षकों के लिए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जाएगी सदन के अंदर और मौन भी रखा जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नवाचार करते हुए भी आज नजर आएंगे। आज प्लास्टिक मुक्ति दिवस है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सभी विधायकों को, सभी माननीयों को संकल्प दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे प्लास्टिक मुक्ति को लेकर और शपथ और संकल्प यही रहेगा कि प्लास्टिक मुक्त वो बने और प्लास्टिक मुक्ति के को लेकर भी अभियान चलाने का काम करें। तो ये एक अच्छी पहल विधानसभा अध्यक्ष की देखने को मिली और आज को पीछों का अभिव्यक्ति होती है, सदन के पटल पर विधेयक रखे जाने हैं और कहा जा सकता है कि आज से शुरुआत बजट सत्र की हो जाएगी। पीएसी का प्रतिवेदन सदन के पटल पर आज रखा जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 10 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी वो बजट पेश करेंगे। 4-5 को विधानसभा की कार्रवाई है, 10 को बजट आना है, 16 तारीख को जो बजट पर वाद विवाद होगा उसका रिप्लाई सामने आएगा। संभवतः उस दिन सदन के नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिप्लाई सदन में रखेंगे और इस पूरे बजट सत्र को अगर देखें तो कल सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष को बुलाई थी और आग्रह किया था कि सदन को नियम और मर्यादाओं से चलाएंगे, पक्ष और विपक्ष सभी सदन को चलाने में अपना सहयोग करें और इसके साथ ही स्पीकर ने ये भी कहा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में अगर माहौल ठीक नहीं रहता तो मिल बैठ कर बातचीत की गई सदन को चलाने की दिशा में आगे बढ़ना है। सदन का अमूल्य समय
व्यर्थ नहीं जाए, इस दिशा में काम करना। और एक जो बड़ा घटनाक्रम जो कल सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है वो है कि लंच ब्रेक होगा। राजस्थान की विधानसभा के इतिहास, संसद की तर्ज पर पहली दफा लंच ब्रेक होगा। मतलब यूं कहें कि खाना खाने का समय विधानसभा के तमाम माननीय को मिलेगा। एक से डेढ़ घंटे का जो लंच ब्रेक है, इस दौरान सभी दोपहर का लंच कर सकेंगे और उस वक्त विधानसभा का सदन नहीं चलेगा और बल्कि विधानसभा के अंदर भोजन अवकाश रहेगा और सभी लंच के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर सर्वसाधारण होकर सदन में लौटेंगे और सदन की कार्रवाई आगे अब बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये एक बड़ी पहल है। खुद स्पीकर वासुदेव गिरनारी ने सुझाव दिया था और सभी बैठक में मौजूद विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस सुझाव को माना। इसके पीछे तर्क ये है कि जब लंच का समय आ जाता है दोपहर में और जब सदन चल रहा होता है तो अक्सर ये देखने को मिलता था कि विधायक इधर उधर जा रहे हैं और सदन में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो जाता था, खासतौर से शून्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने सोचा कि जब सदन में थोड़ी व्यवस्था अलग तरह की होती है और सदन के सदस्य बाहर जाना चाहते हैं खाना खाने के लिए, तो ऐसे में उस समय को लंच ब्रेक के तौर पर घोषित कर दिया जाए, एक बड़ी पहल विधानसभा अध्यक्ष की। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कई नवाचार आज सदन गुजरेगा और खुद स्पीकर इसी दिशा में अपने आप को ये मानते हैं कि जिस पद पर वो आए हैं तो कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे वो माइल स्टोन अब राजस्थान की विधानसभा में बने। बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र और अभी आप सुन भी रहे होंगे, योगेश जी भी जानकारी दे रहे थे कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। आज के शेड्यूल को, आज की इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जो बजट सत्र की शुरुआत है उसमें जो मुख्य जो बातें रहने वाली है उसमें एक तो सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी। 12 विभूतियां हैं जिनका विगत दिनों दिवंगत हुए, उनको सदन श्रद्धांजलि देगा। उसके अलावा 3 ऐसे विधेयकों की जानकारी विधानसभा सचिवालय की तरफ से दी जाएगी जिसपे राज्यपाल की तरफ से सहमति मिल गई है। बिल पहले पूर्व में विधानसभा में पारित किए गए थे, उसके राज्यपाल ने उन बिलों को लागू करने की अनुमति दे दी है, उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उसको लेकर सदन में जानकारी दी जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का मतलब जो आने वाले दिनों में किस तरह के कामकाज विधानसभा में चलेंगे उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। मोटे रूप से 10 तारीख को राजस्थान सरकार अपना बजट विधानसभा में रखेगी, उसकी सदन से अनुमति ली जाएगी। उसके अलावा आज और कल की कार्यसूची को लेकर भी विधानसभा जो सदन है उससे अनुमति ली जाएगी। जो मुख्य सचेतक है योगेश्वर गर्ग वो सदन के सामने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है उसका प्रतिवेदन रखेंगे और उस पर सदन की सहमति रखेंगे। खास बात ये रहेगी आयुषी, आज जो है जो सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो राजस्थान में अभी जो हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 10 साल बाद कांग्रेस ने बहुत शानदार तरीके से 11 सीटों पर जीत दर्ज करी है, तो एक तरफ जो विपक्ष है, जो प्रतिपक्ष है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि जो जोश में से लबरेज रहेगा और दूसरी तरफ जो राजस्थान सरकार के 6 महीने का बीजेपी का कार्यकाल है उसको लेकर भी विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर तैयारी की हुई है। तो कुल मिला के माने तो पूरा ये सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। हालांकि ये भी बता दूं मैं आपको, ये सत्र लंबा चलेगा, इस सत्र के अगस्त तक चलने की संभावना है। जी आयुषी, बिल्कुल पंकज जी, अब देखना होगा कि कितने हंगामे देखने को मिलते हैं और कितने मुद्दों को उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।